एक तरफ तो कोरोना की मार, दूसरी तरफ महंगाई का हाहाकार। कोरोना वायरस महामारी के बीच सरकार ने उपभोक्ताओं को एक और झटका दिया है। बिना सब्सिडी वाले LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें महानगरों में 4 रुपए प्रति सिलेंडर तक बढ़ा दिया है। जुलाई महीने के पहले ही दिन आम आदमी को जोरदार झटका लगा है। बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। आज से 19 किलोग्राम और 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी LPG सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। जुलाई महीने के पहले ही दिन आम आदमी को लगा झटका। कोरोना महामारी के इस संकट काल में जनता को पेट्रोल डीजल पर लगने वाले करों में कमी कर जनता को राहत देने का समय है, लेकिन इस संकट काल में भी उन पर करों में बढ़ोतरी कर जनता पर महंगाई की दोहरी मार थोपी जा रही है। एक तरफ कच्चा तेल सस्ता हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दामों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। अपने में चुपचाप पेट्रोल डलवाना और अपना गाल बजाना चले जाए, ठीक है जी, शोर मचना और कुछ नहीं है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वही अब मध्य प्रदेश की सरकार ने इस संकट काल में पेट्रोल और डीजल को महंगा, जनता को महंगाई की आग में झोंकने का काम किया है। प्लस कोरोना संकट की वजह से एक तो ग्राहक आ नहीं रहे, ऊपर से महंगाई की मार उन पर ज्यादा पड़ रही है। एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी से अब पेट्रोल व डीजल में अभी तक का सर्वाधिक टैक्स हो गया है। मोदी जी हमें माफ करो, जनता की जेब ना साफ करो,